मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि जो तीन मुख्य मांगे हैं, शहीद इंदर सिंह के परिवार को न्याय मिले, और इसमें ये जो सारे के सारे अब तक की प्रणाली चल रही है, सबसे पहले तो प्रशासन की सख्त शब्दों में निंदा की गई है कि वो चौथा पांचवा दिन हो गया आज और यह डेड बॉडी है, उसको कोई चिंता नहीं। वो खुद सोचें कि उनके परिवारों में कोई ऐसा होता तो क्या वो रख सकते हैं, तो किसान को इतना सस्ता ना समझें। और उसी का नतीजा कि आज हज़ारों की संख्या में यहाँ जो किसान पहुँचे हैं, और मीटिंग में ये फैसला लिया है कि आज का समय है प्रशासन के पास। कल 11 बजे के बाद कमेटी ने फैसला लिया है कि जीन जिले के दो टोल हैं, दोनों को 11 बजे के बाद खोल दिया जाएगा। खटकड़ और बद्दोवाड़ा। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे ये हैं कि जिस वीडियो ने ये लापरवाही की है, आज तक हरियाणा के अंदर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। कब्जे भी लेते रहे हैं, प्रशासन भी जाता रहा है, लठ भी बजते रहे हैं, लेकिन खड़ी खेती में आज तक ट्रैक्टर हरियाणा के अंदर नहीं चलाया गया है। इसको सब किसान बहुत बुरा मानता है जो कब्जा लेने गए थे। ये वीडियो की बड़ी लापरवाही है, और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा इंदर सिंह की जो मौत हुई है, आत्महत्या कोई जानबूझ के कोई खुशी में नहीं करता, ये मजबूरी बस, इनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा जो भी इस प्रकरण में मुकदमे दर्ज हैं, किसी भी प्रकार के मुकदमे हों, इन्हीं के ऊपर मुकदमे बना दिए, उन मुकदमों को वापस लिया जाए, ये मुख्य मुद्दे हैं। और आज की कमेटी ने मन बना लिया है। कल यहाँ कुछ भाइयों को गलतफहमी थी कि भाई यहाँ तो कम लोग आते हैं, आज पूरे इलाका से हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, और केंद्र यही रहेगा, आंदोलन का केंद्र ये बद्दोवाड़ा टोल रहेगा। कमेटी ने फैसला किया, हर रोज़ मीटिंग होगी, और हर रोज़ मीटिंग में सख्त से सख्त फैसला किया जाएगा। अब लंबी इंतज़ार नहीं की जा सकती, इसलिए हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं और अपील भी करते हैं कि सद्बुद्धि ले और इस मामले को निपटाए, वरना इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधान, देखने में आया, सुनने में भी आया कि यहाँ पर भी दो गुट बने हुए हैं। कोई गुट नहीं, वो सब खत्म कर दिया आज, आज सब एक हैं। वो कुछ व्यक्तियों की गलतफहमी होगी थी, वो आज निकाल दी सारी। लगातार प्रशासन के साथ बातचीत हुई आपकी और विफल रही है, तो प्रशासन को क्या अलग से चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि प्रशासन इसको मुद्दे को मैन नहीं रहा है, क्या कह रहे हैं? अभी कल की बात अलग है, कई बार नहीं बात हुई, कल हुई थी, कल बात सिरे नहीं चढ़ी। अभी प्रशासन का निमंत्रण आया हुआ है, कब और कहाँ बुलाएंगे ये थोड़ी देर में पता लग जाए। स्कूल इंचार्ज का भी मैसेज यहाँ आ चुका है। प्रधान जी, कल भी पेगा गांव में ट्रैक्टर और जेसीबी चलाई है, खड़ी फसल में पकने वाली थी, तो कुछ ऐसा है, अगर यहाँ इस मौके के ऊपर हम मजबूती के साथ नहीं लड़े तो ये पेगा मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ चलेंगे, क्योंकि सरकार का और सरकार के जो लगे बगे हैं इनका ज़मीनों के ऊपर नज़र है। उसी के लिए तो कानून लेके आए थे, ये कानून तो वापस करवा लिए, लेकिन संकट नहीं मिटा अभी रोज़ ऐसे ऐसे फरमान जारी करेंगे और ज़मीनों के ऊपर नज़र है। ये अंबानी अदानी को सौंपना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर भी लैंड बैंक बना करके तरह तरह की ज़मीनें उसको खोसना चाहते हैं, ये सरकार की कोशिश है। अभी जैसे कि दो टोलों को फ्री किया गया, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो क्या पूरे हरियाणा के टोल फ्री जा सकते हैं? ये कमेटी फैसला करेगी, आगे की बात नहीं कहनी चाहिए। हर रोज़ मीटिंग होगी और जो मीटिंग में फैसला होगा हम केवल वही बता सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। प्रशासन का रवैया टकाऊ था, प्रशासन को गलतफहमी थी, कल आदमी कम थे, उनको सोचा कि शायद ये मामला ऐसे ही चला जाएगा। आज प्रशासन की आँख खुल गई है और एक दो दिन में और खुल जाएगी। दूसरे किसान के हालात का अगर जिक्र करना चाहें तो उनके हालात कैसे? हालात उनकी ठीक है, स्थिर है, मतलब उस रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये दवाई है, इसका तो कई दिन तक भी असर होता है, पता नहीं कब क्या घटना जाए। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि वो भाई बच करके आए हमारे बीच में, ये उम्मीद ही कर सकते हैं, आशा करते हैं। प्रधान जी, आज कोई संदेश है बातचीत के लिए प्रशासन की तरफ? हाँ हाँ, अभी बताया तो आपको, अभी सिक्योरिटी का टेलीफोन आया है और अभी वो समय और स्थान तय करने की बात कर रहे हैं, कुछ देर में वो बता देंगे। कुल सिंह शौकंद, राज्य प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा, हरियाणा। इसमें तो हमारा यही कहना आगे, प्रशासन हमारी जो किसान को न्याय मिलना चाहिए, हमारा बुजुर्ग जो शहीद हुआ है, तो सरकार ने जो हमारी मांगे उसको मानना चाहिए जल्दी से जल्दी, वरना प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
और उचियाना कमेटी किस तरह सहयोग कर रही है? उचियाना कमेटी क्यों, पूरा हरियाणा का पूरा सहयोग है, आप देख रहे हो नहीं, आज की संख्या के हिसाब से पूरे हरियाणा से जितने भी किसान संगठन है और जितने भी आसपास की खापे हैं वो सारी आई हुई है। अगर प्रशासन का इसी प्रकार से रवैया रहा, कल प्रशासन का अड़ियल रुख था, तो अगर आज की मीटिंग में भी प्रशासन ने हमारी बात मानने की नहीं कोशिश करी तो आगे से दोनों टोलों को फ्री करवाया जाएगा, उसके बाद कल फिर मीटिंग होगी, उसके बाद फिर बड़ा निर्णय लेंगे। तो यहाँ पूरे हरियाणा में इसको प्रशासन को जो अवगत हम करवाते हैं कि भाई जो भी अगर प्रशासन किसी प्रकार के गलतफहमी में हो तो वो अपने मन से निकाल दे, तो हम हमारी मांगों को मनवा के ही हम जो इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे और हमारा जो किसान बुजुर्ग शहीद हुआ है उसका दाह संस्कार करेंगे।